पार्टी के आदेश से ये कहने आया हूं कि जब तक तेरे अत्याचार, अन्याय, पाप और भ्रष्टाचार की लंका को जला के राख नहीं कर देते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तुम क्या समझते हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चला दोगे और हम दब के चुप बैठ जाएंगे? केसीआर हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ, पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे। और जब तक तेरी सरकार गिरा के धूल में नहीं मिला देते, अब हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अरे हम तो बरसों से लड़ते रहे। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, उनने कहा और मोदी जी ने करके दिखा दिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। हम तो लड़ते रहे बरसों से, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब देख लो शान से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम तो लड़ते रहे कैसी यार। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, 3 तलाक समाप्त कर दिए। तुम तेलंगाना वालों को डराने आए हो? अरे ये निजाम विजाम से नहीं डरे कभी, उखाड़ के फेंक दिया। हम विदेशी आक्रांताओं से नहीं डरे, तो तुम किस खेत की मूली हो? क्या समझते हो अपने आप को? अरे ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है। अच्छा, बाकी का तो कहीं आता ही पता नहीं है। अब अकेली भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज उठाने का हक हमको है, लेकिन भाजपा से डरे हुए हैं। यहां डरे हुए हैं बंडी संजय कुमार से। रात में सपने में भी केसीआर को बंडी संजय कुमार दिखता है। उठ उठ चमक चमक के सपने में उठ जाते हैं, संजय कुमार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे तुम? वंशवादी, केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, बेटी भी मंत्री है कि सांसद है, हार गई तो कुछ और बना दिया, भतीजा भी मंत्री, भतीजा भी है ना, और भांजा मांजा नहीं है कोई, होता तो उसको ही बना देता। बाकी कोई है ही नहीं तेलंगाना में। ये डरे हुए लोग। अच्छा, कांग्रेस भी कितनी डरी है और ये भी कितने डरे हैं वहां पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये केसीआर कहते हैं सेल्समैन है। अरे ऐसे सेल्समैन जिनने दुनिया का मान सम्मान और शान पूरी, जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया, वो नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माता नरेंद्र मोदी, ये उन पर टिप्पणी करते हैं। ये मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। तो पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब, सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अरे हम भी जाते थे, हम भी मुख्यमंत्री। केसीआर तुम्हारा दूसरा टर्म है, अपना तो चौथा टर्म है यार। हमारे यहां
जब प्रधानमंत्री आते थे तो कांग्रेस के भी आते थे, तो हम उनका पूरा इंतजाम करते थे। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए यूएसए गया अमेरिका, तब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मुझे वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है, मनमोहन सिंह अंडर अचीवर। मेरा उत्तर था कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारा गर्व है। ये मैंने जवाब दिया था। लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है, मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, मुख्यमंत्री साथ नहीं। एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक जैसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को रखा, वो तो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद और दुआएं थी। मोदी जी का बालवाका नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये राजनीति है? यहां केसीआर इस तरह की हरकत करते हैं? केसीआर पहले जवाब दो, कितने वचन दिए थे तुमने तेलंगाना की जनता को? 7 लाख रुपए तक का 2 बेडरूम का मकान फ्री, बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3 एकड़ जमीन दलितों को, कहा था कि नहीं? दिया क्या? KG2PG फ्री एजुकेशन, कहा था कि नहीं? दिया क्या? अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब हम जवाब मांग रहे हैं तो कह रहे हैं जेल में ले जाएंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे कैसी। दम है तेरे दमन में कितना, ये भी देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, एक नया तेलंगाना गढ़ने का सपना इसने हृदय में संजोया है। तुम वचन पूरे नहीं करते, वादे नहीं निभाते, और जनता मांग करती तो कुचलने का काम करते हो। ये डरे हुए मुख्यमंत्री, अब मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी का तुझे करना पड़ेगा। और हम यही ऐलान करने आए, आपको याद होगा मैं सदस्यता अभियान के समय आया था, और तब मैंने आपसे कहा था कि 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इस प्रांगण में केसीआर में तुमसे कह रहा हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और तेलंगाना में कमल खिलेगा, तुम रोक नहीं सकते। ये जेल में बंद करके रोकोगे तुम? हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी है। कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी अत्याशो गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए हम संघर्ष का ऐलान करने आए।
धर्म युद्ध अब शुरू हो गया है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं संजय जी, आप जैसे कार्यकर्ता पर गर्व है, हमें गर्व। आपने जो लड़ाई लड़ी है, एक बार स्वागत कीजिए संजय कुमार जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की, आपके नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। केसीआर सुन लो, एक कथा सुना देता हूं। जंगल में एक साधु रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था।